नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे बालू खनन के लेकर जारी टेंडर के बारे में। बिहार में बालू खनन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि बालू घाटों की निविदा प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। बता दें कि प्रदेश में बालू खनन के लिए 8 जिलों में टेंडर की प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन अब ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद से सरकार ने फिलहाल उस पर रोक लगा दिया है। अब इसको लेकर खान एवं भूतत्व विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि विभाग ने ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से 25 अक्टूबर को जारी आदेश के बाद से यह रोक लगाया है। आपको यह भी बता दें कि पिछले दिनों मंत्रिमंडल की बैठक में बालू में कमी को ध्यान में रखते हुए बालू घाटों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसके लिए संबंधित प्रस्तावों पर भी बात किया गया था और प्रस्ताव को जो है पारित किया गया था। बालू खनन के लिए यह आदेश दिया गया था कि जिसके पास पहले से पर्यावरण स्वीकृति प्रमाण पत्र है, वह इन जिलों में बालू घाटों की निविदा प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। बता दें कि सरकार ने निविदा का काम खनन विभाग को सौंप दिया था। बता दें कि सरकार की तरफ से लिए गए फैसले के बाद से पटना के अलावा भोजपुर, सारण, औरंगाबाद, रोहतास, गया, जमुई और लखीसराय में निविदा की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस निविदा की प्रक्रिया पर सवाल खड़ा कर दिया। ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसको लेकर कहा कि पुराने पर्यावरण प्रमाण पत्रों के आधार पर बालू घाटों की निविदा कैसे की जा सकती है। बताते हैं कि इस मामले ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 25 अक्टूबर को निर्देश जारी किया था, जिसके बाद सरकार ने टेंडर प्रक्रिया पर रोक लगा दी। ऐसे में अब राज्य सरकार ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ सरकार ने अपील करेगी। इस पूरे मामले को लेकर विभाग के सचिव हरजोत कौर ने कहा कि 16 जिलों में बंदोबस्ती का प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडल ने 1 अक्टूबर को मंजूर कर दिया था। इधर 8 जिलों में 50% अतिरिक्त शुल्क के साथ बंदोबस्ती होनी थी, लेकिन कोर्ट का फैसला आने के बाद अब इस पूरे मामले पर यानी कि पूरी बंदोबस्ती की प्रक्रिया जो है वह पूरी की जाएगी। ऐसे में अब यह साफ हो गया है कि बिहार में आने वाले कुछ दिनों तक बालू लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि बिहार सरकार की तरफ से जारी आदेश के बाद अब ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस पर रोक लगा दिया है और इस मामले में बिहार सरकार कोर्ट में जाने का फैसला ले लिया है। ऐसे में अब कोर्ट के फैसले का लोगों को इंतजार है। लंबे समय तक बिहार में बाढ़ की स्थिति रही, इस दौरान नदियों का जलस्तर जो है लगातार बढ़ता रहा, उस दौरान जो है बालू का खनन नहीं हुआ, लेकिन अब जब नदियों के जलस्तर में कमी आई है, बाढ़ जो है कम गया है, उसके बाद से जो है अब ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो है खनन को लेकर रोक लगा दिया। उन्होंने कहा कि जिनके पास पर्यावरण को लेकर सर्टिफिकेट नहीं है, वो कैसे बालू खनन कर सकते हैं। सरकार के उस फैसले का, जिसमें कि मंत्रिमंडल ने साफ तौर पर कहा था कि अब बालू खनन हो सकते हैं, 8 जिलों में जो है बालू खनन की बात कही थी, लेकिन अब जो है उस पर रोक लग गई है। सरकार जो है कोर्ट में जाने का फैसला कर लिया है। ऐसे में अब जिनका घर बन रहा है या फिर जो घर बनाने की इच्छा रखते हैं, उन्हें फिलहाल तो बालू नहीं मिलेगी। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।